तो फील गेम फैमिली अनचार्टेड 3 के एक न्यू एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। और अगर आपने इससे पहले के दो एपिसोड्स मिस कर दिए हैं तो दोनों एपिसोड्स के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, उन्हें पहले चेकआउट कर लेना। और जिसने यहाँ तक देख लिया उसको याद होगा कि इस बार ये नेट पूरी एक खजाने से भरी हुई सिटी को ढूंढ रहे हैं। और ये लॉस्ट सिटी कहाँ पे है, इसके दो क्लूज थे, एक फ्रांस में, दूसरा सीरिया में। तो फ्रांस वाले क्लू के पास जैसे ही नेट और विक्टर पहुंचे, वैसे ही गेम के विलन टैलबर्ट ने आकर उस क्लू को छीनने के साथ साथ नेट और विक्टर को जलाकर मारने की भी कोशिश की, लेकिन वो दोनों बच गए। और अब नेट और विक्टर को जल्द से जल्द सीरिया पहुंचना है ताकि ये दोनों टैलबर्ट के आदमी लोग से पहले क्लू को ढूंढ पाएं। और साथ में क्लोई और चार्ली कटर, जो नेट और विक्टर के दोस्त है और टीममेट्स है, उनको बचा सके। तो चलो भाई आज का एपिसोड कंटिन्यू करते हैं। और तब तक आप लोगों का काम है कि फटाफट से वीडियो को लाइक कर लो और नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन साथ ही साथ दबा लो। तो वो लॉस्ट सिटी कहाँ है उसका दूसरा क्लू यहीं पे मिलेगा। We're not getting in through here. It's locked. नेट को ना डोर ट्राई ही नहीं करना चाहिए क्योंकि हमेशा बंद ही रहता है, ज्यादातर गेम में डोर बंद रहता है। Up this way. You check it out. I'll wait here. क्लोई और चार्ली कहीं पकड़ा तो नहीं गए टैलबर्ट के आदमी लोग से। Come on up, Sully. It's clear. वो खजाने का क्लू ना एक एमुलेट के रूप में था, तो उसका आधा पार्ट तो टैलबर्ट के आदमी लोग ले गए। तो मैं वही सोच रहा हूँ कि यहाँ पे अगर उसका आधा दूसरा पार्ट मिल भी गया तो हम लोग खजाना खोजेंगे कैसे, क्योंकि आधा पार्ट तो टैलबर्ट के पास है। और मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि अगर दूसरा पार्ट भी मिला तब भी वो लोग छीन लेंगे। Hey, help me with this door. Whoa, whoa, whoa. We don't know what's on the other side of that door. Oh, yeah. Good point. विक्टर ने बिल्कुल सही एडवाइस दी कि डोर मत खोलो अचानक से, पता नहीं उस साइड पे क्या है या कौन लोग हैं। I'll climb up and around. I'll let you in if it's safe. All right. तो नेट पहले अंदर जा रहा है, मुसीबत चेक करने पहले ही टूट गया लो। You okay? Yeah. Close though. अभी अंदर पहुंचे भी नहीं और प्रॉब्लम्स आने स्टार्ट हो गए हैं। तो मुझे अंदर से जाके डोर खोलना है और ये भी चेक करना है कि अंदर कौन लोग हैं या सेफ है या नहीं है। तो अनचार्टेड 4 की मैंने सीरीज कंप्लीट की है, ये मैं हर एपिसोड में बताता हूँ बहुत ही प्राउडली, क्योंकि बहुत अच्छा गेम था वो। और उसमें उतना खजाना नहीं था जितना मुझे लग रहा है कि इसमें मिलने वाला है, क्योंकि इसमें पूरी एक सिटी मिलेगी खजाने से भरी हुई। तो भाई गोल्ड की सिटी भी हो सकती है या पता नहीं क्या, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ देखने के लिए। यहाँ तो खाली ही लग रहा है, कोई नहीं अंदर। Shit. Already? नेट को टैलबर्ट के आदमी दिख रहे हैं, मुझे क्यों नहीं दिख रहे? अच्छा दिख गए, इसके ऊपर जंप डायरेक्ट, ये तो गया एक ही। अच्छा दो आदमी, सिर्फ दो आदमी है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन टैलबर्ट और उसकी आर्मी यहां पे पहुंच गई है। भाई कहां छुप के बैठा हुआ है? अरे तू पहले ही कवर में क्यों बैठ गया है? इसको पता चल गया कि मैं आया हूं, मर जा। बहुत गलत जगह कवर पे बैठा हुआ था। ओ भाई ये लोग कहां से निकले? सब कवर में बैठे हुए थे छुप छुप के, क्या बेशरम आदमी लोग हैं। और भी लोग हैं, ये देखो एक ग्रेनेड फेंका। ओहो, ये ले ग्रेनेड को वापस फेंकने का जो सिस्टम है ना इसमें, बहुत ही मस्त है। तू तो मर, धक्का इसको धक्का दे दिया नेट ने। और कौन है? शॉटगन चला रहा है। चलो भाई सन्नाटा, और कोई है क्या? ओ ग्रेनेड फेंक रहा है, यानी कोई और भी है। मेरे अगर आसपास ग्रेनेड रहता है ना तब वापस फेंकने का ऑप्शन रहता है, पर तुरंत फेंकना है नहीं तो मेरे मुंह में फट जाएगा। पता नहीं एक और आदमी कहां है, ग्रेनेड जिसने फेंका है कहां गया? ओ ये रहा, हो गया, अब मर रहे। सारे मर गए, अब खाली, अब विक्टर को अंदर बुला सकते हैं। टैलबर्ट के आदमी लोग इतनी जल्दी कैसे पहुंच गए, सब उन लोग को पता रहता है। आज के एपिसोड स्टार्ट ही हुआ है धूम धड़ाका से, जैसी मुझे फीलिंग आ रही थी। और अभी आगे और भी बहुत कुछ होने वाला है। क्लोई और चार्ली अगर पकड़ा गए होंगे ना तो उनको बचाने के लिए बहुत गोलियां चलानी पड़ेगी। अच्छी वाली गन उठा लो और विक्टर अंदर आ जाओ, चलो यहां से निकला जाए क्योंकि टैलबर्ट की आर्मी पहुंच चुकी है। Come on, it's clear. अगर डोर डायरेक्ट खोलते ना तो मर जाते। Hell, you've been doing. विक्टर ने सही आइडिया दिया था। The usual. विक्टर अंदर आते के साथ पूछ रहे थे कि तुम क्या कर रहे थे नेट, तो नेट ने बोला कि बस वही जो रोज करता हूँ आदमी लोग का सफाया। अगर क्लोई और चार्ली को क्लू मिल गया होगा ना तो ज्यादा अच्छा होगा, क्योंकि फिर भाई अपने को ढूंढना नहीं पड़ेगा। लास्ट एपिसोड में ऐसा हुआ था कि तीन तीन पजल सॉल्व किए थे हमने, तब जाके क्लू मिला था। तो अगर उन दोनों को भी क्लू नहीं मिला होगा तो बहुत सारे पजल्स सॉल्व करने पड़ सकते हैं। Come on, this way. ये ऊपर से कभी भी गोलियां चल सकती हैं, एक बार देखते चलो ज्यादा अच्छा होगा। You better hurry it up. विक्टर सही बोल रहे हैं कि जल्दी जल्दी काम करो, कोई ठीक नहीं है यहाँ पे। Over here. ये टूटने वाला ताला है। अनचार्टेड 3 में बहुत सारा ऐसा सिस्टम है ना जो कि अनचार्टेड 4 में नहीं था,
और अनचार्टेड 4 में भी कुछ ऐसे सिस्टम्स थे जो कि इसमें नहीं है, लेकिन मुझे अनचार्टेड 3 ज्यादा कूल लग रहा है। ग्राफिक्स भले ही अनचार्टेड 4 का ज्यादा अच्छा था, लेकिन अनचार्टेड 3 ज्यादा कूल है। सामने कुआं और बाल्टी क्यों नजर आ रही है मुझे, उसी में जाना है क्या? लो भाई, अच्छा विक्टर बाल्टी नीचे करेंगे। Lower me down. इस बाल्टी में पानी भर के ऊपर लाना है या फिर नीचे ही जाना है मुझे? पानी भी नीचे नजर आ रहा है, क्योंकि ये कोई पजल है क्या? Anything down there? नहीं आदमी। Give me a sec. I'll check it out. अल्बर्ट के आदमी लोग फैले हुए थे, मैंने देखा लाइट को जला रहा था। वाह वाह, ये देखो टैल्बर्ट। ओके आ जा आ जा, देख लिया इसने, देख लिया मुझे। इतना जल्दी कैसे देख लेते ये लोग? साइलेंट मिशन करने ही नहीं देते इसमें, पता है? वो ग्रेनेड फेंक रहा था, उसके ऊपर फट गया। और कोई है क्या? आई थिंक और कोई नहीं है, सन्नाटा हो चुका है। अब यहां से कहां जाना है? आज हो क्या रहा है? 3-4 मिनट हुआ अभी गेम प्ले का और सिर्फ एक्शन हुए जा रहा है, लेकिन सही है। बहुत सारे पजल्स लास्ट एपिसोड में सॉल्व किए थे, आज लगता है सिर्फ गोलियां ही चलानी है। अच्छा ऊपर जाने के दिख गया मुझे। विक्टर के लिए अब कोई रास्ता खोजना होगा ताकि विक्टर भी अंदर आ सके। विक्टर इस साइड से नहीं आ रहे हैं, क्योंकि विक्टर ने मेरे लिए तो बाल्टी नीचे कर दी थी, लेकिन विक्टर के लिए नीचे कौन करेगा? लॉक उड़ाना है मुझे ताकि विक्टर अंदर आ सके। विक्टर थोड़ा पीछे चले जाओ, गोली लग नहीं जाए कहीं। अंदर आ जाओ। अब मैं कैसे अंदर जाऊं? खिड़की से तो अंदर जा रहा नहीं है। ओ हाँ, टूटा हुआ है, ठीक है। अच्छा मैंने कमेंट सेक्शन में देखा कि बहुत लोग इलीना, जो कि नेट की वाइफ है अगर आपको नहीं पता है तो उनके बारे में पूछे थे कि वो कहाँ है गेम के अंदर। तो मुझे भी आइडिया नहीं है, क्योंकि मैं उल्टा जा रहा हूँ, 4 के बाद 3 में आया हूँ। Come on, Sully, help me out. Thank you, Victor, डोर खोलने के लिए। This place is crawling with agents. Chloe and Cutter could be in real trouble. तो नेट बोल रहे हैं कि टैल्बर्ट के पूरे एजेंट्स यहाँ पे भरे हुए हैं, इसलिए क्लोई और कटर भारी मुसीबत में हो सकते हैं। अच्छा ये दोनों मिल गए। What the hell? Why aren't you in France? We're rescuing you from what? We thought you were captured. Or worse. Wait, why? Talbot ambushed us at the chateau. It was a trap. Yeah, we figured they must have followed you too. Well, yeah, they're definitely here. Yeah, no kidding. So we might want to think about keeping it down a little. What happened to you two? We've been trying to reach you for over 24 hours. Oh, right, I need to top up my minutes. You're using a prepaid phone? Mate, those contracts are a complete rip-off. Peter ne apna phone recharge nahi karwaya tha. Mine's broken. Again? Look, just forget all that. You'll never guess what we've discovered. Cutter ne lagta hai clue dhoond liya hai. I've got it all in here. Not only did Elizabeth's spy network stretch all the way over here, but they were all part of some sort of hermetic secret society. Oh, bhai! The British Occult Secret Service, the School of Night, the Hellfire Club, the Order of the Golden Dawn, they're all connected. So John Dee... And Francis Walsingham, and Walter Raleigh, and even your mate Drake, they were all in on it. But for them, it was all about the power. Controlling their enemies through espionage, deception, fear. Hey, guys. Wait. So Marlowe and her crew are the same secret order. 400 years on. We cut to the goddamn chase, please. Yeah, we really need to keep moving. Sure. Here, look. Kate and Talbot are 400 साल पुराने secret society के member हैं. Quod est superiors. Nate, इसका मतलब क्या है? Est secret, quod est inferiors. किसी तरह का code है. As above, so below. That's the key to all of this. Jitna upar, utna niche. To the highest point of this castle. Thus, the stairs. Well done. तो general में secret code था, jitna upar, utna niche. इसलिए tower के सबसे ऊपर जाना है. तो चलो चलते हैं. We should be able to find our way into the crypts with this clue. Now, the entrance has got to be hidden here someplace. जैसे फ्रांस में एक crypt था ना, जिसके अंदर आधा amulet था. तो यहाँ पर भी कोई crypt होगा, जिसका clue है ये. Jitna upar, utna niche. इसलिए ये सबसे ऊपर जा रहे हैं नेट। There, that's the highest tower. Okay, so we just need to make our way across. Oh shit, bollocks! Get down. टावर के सबसे ऊपर जाना है तो टैल्बर्ट के आदमी लोग को मारना होगा। Now what? All right, the only way to the tower is through them. Great. Whatever happened to that sneak in, sneak out plan? You what? We can't quit now. Yeah, not when we're so close. Come on, we'll find a way around them. चलो कोशिश करते हैं साइलेंटली मिशन करने का। कोशिश करते हैं, मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इसमें साइलेंटली ये लोग करने देते हैं नहीं। 1-2 आदमी को मारूंगा, कोई ना कोई देख ही लेगा। अच्छा इस गन में स्कोप लगा हुआ है भाई, स्कोप लगी हुई गन क्यों दी है मुझे? यानी कि दूर से भी आदमी लोग मारेंगे। चलो ठीक है, ट्राई करते हैं 2-3 आदमी को कम से कम साइलेंटली मारने का।
ऐसे आप लोग कमेंट करके बताना कि कोशिश करूं साइलेंटली मारने का या धूम धड़ाका आप लोगों को पसंद है, बूम बाम होना चाहिए ज्यादा जैसे आज चल रहा है। इसको भी साइलेंटली मार सकते हो, आ जा भाई। तो क्वीन एलिजाबेथ ने बहुत सालों पहले एक खुफिया ग्रुप बनाया था जिसके बहुत सारे मेंबर्स लोग थे। इस ग्रुप का बस एक ही काम था कि पावर अपने हाथ में रहे। सामने आ जा थोड़ा सा, हाँ मर जा। उसी खुफिया ग्रुप के मेंबर फ्रांसिस ड्रेक भी थे और केट मार्लव और टैलबर्ट भी उसी ग्रुप के मेंबर हैं। तो इसलिए जो काम फ्रांसिस ड्रेक और जॉन डी नहीं कर पाए, यानी कि वो लॉस्ट सिटी ढूंढने का, वो काम को पूरा कर रहे हैं केट मार्लव और उनकी टीम, ये जो पूरी आर्मी है। और इसलिए केट मार्लव के पास इतनी बड़ी आर्मी है। अब इसको साइलेंटली मारूंगा तो कोई ना कोई देख ही लेगा। अच्छा नहीं, ये अकेला खड़ा हुआ है, मर जा। देख लिया भाई, देख लिया, हो गया बस। साइलेंट मिशन की अब ऐसी की तैसी हो गई है। ये स्नाइपर इसके पास, मेरी गन में भी स्कोप लगा हुआ है। आ जा भाई, मरा? ओ मरा नहीं। ये गन अच्छी है लेकिन ना इसमें से बर्स्ट गोलियां निकलती हैं, यानी कि एक बार फायर करूंगा तो 3-4 गोली निकलेगी, फिर से फायर करना होगा। कंटिन्यूअसली फायर नहीं कर सकता हूं इससे। बाहर निकल, गोली मारने के लिए बाहर निकल, मैं वेट कर रहा था। और कौन है? अच्छा ऊपर बैठे हुए हैं, अभी ऊपर देखा था। अच्छा वो पेड़ है, मुझे लगा आदमी है। ओपन फायर, हाँ करो ना, क्यों नहीं। ये तो एक टॉर्च जला जला के अपनी लोकेशन दिखा दे रहे हैं, ये कितनी अच्छी बात है। नहीं, 3 आदमी, इतना पता है मेरे को। ग्रेनेड फेंक रहा था मरा। एक और आदमी जिसका टॉर्च जल रहा है। मेरे पास भी पूरी एक टीम है, 4-4 लोग हैं। लेकिन मैंने एक बात नोटिस की कि अनचार्टेड 4 में जितना सैम मदद करता था ना, उतना ये लोग मदद नहीं करते। 1-2 आदमी को मारते मुश्किल से। छुप के रहो क्योंकि वो लोग भी अगर मर गए ना, तब भी मुझे लगता है मिशन फेल हो जाएगा। कोई नहीं, मेरा मेरे ग्रेनेड से, ये आदमी ग्रेनेड फेंक रहा है। रुक, तेरा वापस करता हूँ ग्रेनेड, ये ले। मर गए लगता है सब। ओ भाई, 3 आदमी मरे ग्रेनेड से। ठीक है, रास्ता क्लियर हो गया, गन छाटने दो मुझे, उसके बाद ऊपर चलते हैं क्योंकि आज आदमी लोग की कमी नहीं हो रही है। भर भर के लोग आ रहे हैं आज शुरू ही से, और ये तो मतलब अभी शुरुआत है, अभी तो मिला भी नहीं है एम्यूलेट। उसको मिलने के बाद पता नहीं कितने लोग आएंगे। ऊपर जाना है, नीचे से एंट्रेंस है लेकिन मैं ऊपर से देखता हूँ। यहां से जाने का कुछ है क्या? नहीं, यहां से चढ़ने का दिया नहीं, अंदर ही से जाना। आ जाओ तीनों, आ जाओ, यहां पे बहुत आदमी लोग आने वाले हैं। जितना ज्यादा करीब पहुंचेंगे क्लू के, उतना ज्यादा आदमी लोग आते रहेंगे। गेट परफेक्ट, कोई नहीं है। चार्ली, गिव मी हियर विद दिस। गेट उठाने के लिए बहुत सारे लोग हैं। टावर के ऊपर जाके ढूंढना है ना कि क्रिप्ट कहाँ है, क्योंकि क्रिप्ट अंडरग्राउंड कहीं पे छुपा हुआ होगा। Yep, clear. Got it. चलो सब अंदर आ गए हैं, आगे बढ़ा जाए। अच्छा, नेट ने बताया नहीं इन दोनों को कि टैलबर्ट ने क्लू छीन लिया है। Well, follow me. नेट ने शायद इसलिए नहीं बताया होगा ना कि इन दोनों की उम्मीद टूट जाएगी कि अब दूसरा क्लू ढूंढ के करेंगे क्या, जब पहला टैलबर्ट के पास है तो आधा क्लू से थोड़ी सिटी का पता चलेगा। Up this way. लोग आने लगे हैं। ओ भाई साहब, यहाँ पे वेट करते रहते चुपचाप से, हल्ला भी नहीं करते भाई ये लोग। और ये सड़े हुए गुंडे नहीं है, ये एजेंट है सारे। सूट देख रहे हो ना, सूट भी है, चश्मा भी है। एक तो रात का टाइम, ऊपर से अंधेरा, पता नहीं जीनियस ने चश्मा क्यों लगाया हुआ था। अच्छा, ओ भाई, ये शील्ड वाला आदमी आ रहा है, ये खतरनाक आदमी, इसके हाथ में शॉटगन है। मैं इसकी बात नहीं कर रहा हूं, वो जो पीछे से आ रहा है ना स्लो मोशन में। अच्छा क्लोई उसको मार रही, क्लोई बैंड बजा दो। क्लोई ने उसको बहुत जल्दी मार दिया, पता है वो बहुत खतरनाक आदमी है, 1-2 मैगजीन खा जाता आराम से मेरी। और कोई है? अच्छी गन उठा लो यहां से, और बहुत आदमी लोग आने वाले हैं, अभी तो ऊपर तक पहुंचे भी नहीं है। ये अब गिरना स्टार्ट हो गई बिल्डिंग, बहुत बढ़िया। अरे पीछे से पकड़ता है, एक और आ गया ग्रेनेड। ओ भाई, मुंह पे फटने वाला है, बाहर गिर गए, पता नहीं बचा कैसे नेट। वो आदमी करना क्या चाह रहा था, खुद को मरवा लिया, मुझे बाहर फेंक दिया, मुझे अंदर जाना होगा। ऐसी म्यूजिक क्यों हो रही है भाई, अच्छा नहीं लग रहा मुझे। गोलियां चलने लगी, टावर के ऊपर लोग हैं, वहीं जाना है अपने को, मर जा कितना गंदा चिल्लाते हुए गिरा, वो भी गोली लगने के बाद तो पहले ही मर गया होगा, तो फिर चिल्लाया कैसे। चल मर जा, ब्लैक एंड व्हाइट कर दिया था मुझे। इनकी चिल्लाने की आवाज बहुत अच्छी लग रही है। अब यहां बाहर में लटका हुआ हूं, यहां भी चैन नहीं है आदमी लोग को, और लोग आने वाले हैं। ये देखो, एक तो यहीं से गोली चला रहा है, वो भी पूरा फुल स्टाइल में गोली चला रहा था, देखा
हाथ टेढ़ा कर करके गोली चला रहा था। अंदर कैसे जाया जाए? एक और आया, यहीं से डायरेक्ट ऊपर जाने का देता, ज्यादा अच्छा रहता। चेन दिख गया मुझे, ठीक है। एक चेन से दूसरा चेन, ये देख के पता है प्रिंस ऑफ पर्शिया की याद आ रही है। जिसने भी खेला है या देखा है वो समझ गया होगा। चलो ठीक है, दीवार पे ऐसे ही दौड़ते थे प्रिंस ऑफ पर्शिया में। यहां पर भी गोलियां चल ही रही हैं। ओह शिट, लो ग्रेनेड है, मैं भागा। ग्रेनेड ऐसे फेंकते हैं, ठीक है, अपने मुंह पे नहीं फेंकते हैं। तेरी तो कॉमन गुंडे रहते हैं ना, एक दो पंच में मर जाते हैं, इनसे पूरी फुल फाइट करनी पड़ती है। ये देखो उन तीनों पे गोलियां चला रहे हैं, उसके मुंह पे ग्रेनेड फटा, एक ही आदमी बच गया है, उसको उधर से जाके मारता हूं। आ रहा हूं भाई, टेंशन मत ले। अच्छा वो मरा नहीं था, वो सिर्फ बेहोश हुआ था, अभी मरे आएगा, कोई बात नहीं। बाकी तीनों, अरे ऊपर आ जाओ, ऊपर क्यों नहीं आ रहे हैं? रास्ता ब्लॉक तो नहीं था जहां तक मैंने देखा था? हाँ ठीक है विक्टर, ऊपर तो आ जाओ। ये डोर है क्या? अच्छा इसको खोलना है। ओ ये आया, ओ भाई अब इससे फुल फाइट करनी होगी, गोली नहीं चला सकते इसके ऊपर। ये हर एपिसोड में आ ही जाता है, तीन एपिसोड से परेशान कर रहा है। इस बार ही कपड़ा चेंज करके आया है, लेकिन नेट हमेशा इसको गलत जगह मारता है भाई, ताकि ये नीचे गिर जाए। इसके सारे अटैक से बचना है मुझे, दो से तीन लात लगेगी ना मर जाऊंगा मैं। चलो आ जाओ तीनों, तीनों पता नहीं कहां रह गया। चलो मैं जा रहा हूं ऊपर, मुझे अकेले ही जाना है क्या ऊपर? अब दिस वे, कम ऑन। क्लू क्या था? जितना ऊपर उतना नीचे, यानी कि ऊपर जाने से क्रिप्ट का पता चल जाएगा कि कितना नीचे है क्रिप्ट और कहां पे है। तो टावर के ऊपर यही है। Up here. Hey, keep us covered, all right? Yeah, we'll just hurry it up, lads, okay? Yeah, we're sitting ducks out here. तो विक्टर ने बोल दिया है कि यहां पे आराम से मर सकते हैं हम लोग, इसलिए जल्दी ढूंढो जो ढूंढना है। You see? As above, so below. We're definitely in the right spot. Yeah, yeah, but the right spot for what? Well, the Crusaders would have hidden the entrance to the crypt somewhere in plain sight. Crypt ऐसी जगह पे होगा ना जहाँ पे देख के भी पता नहीं चले कि यहाँ crypt हो सकता है। Wait a sec. Nate को कुछ समझ में आया है। Yeah, look. That same symbol appears on Drake's map, right next to this. Of course, Ursa Minor, the North Star. The one fixed point in the night sky. So if we follow that down to the castle, what do you bet it points right to our hidden entrance? अच्छा ठीक है। You see that? Yeah, yeah. आसमान में North Star ढूंढना अपने को। I want it back now. हाँ ठीक है चार्ली, वापस कर देगा नेट। तो जनरल खोल के देखना होगा कि कौन सा स्टार है, ठीक है? Use the scope, mate. I will. ये जो लाल से गोल किया हुआ है ना, वो स्टार को ढूंढना है। If you're not going to use the scope, give it back. I'll find it. I'm gonna use it. चार्ली बोल रहा है कि स्कोप यूज करो, तो चलो स्कोप यूज करते हैं और देखते हैं कि आसमान में कहाँ है। ऐसे मुझे समझ में तो आया है, लेकिन यहाँ पे देखेंगे। अच्छा यही है ना, एक टेढ़ा सा लाइन बना हुआ है, ठीक है, इसके जस्ट पैलर में। ये तो रहा। So, we've got to find the North Star. I found it. All right, now let's see if we can find that entrance. Should be directly below the North Star. तो जितना ऊपर उतना नीचे, यानी कि इस स्टार के डायरेक्शन में एकदम नीचे जाते जाना है, क्रिप्ट का एंट्रेंस मिल जाएगा, वो डोर। Well, that's hidden in plain sight, all right? Guys. Yeah, just a minute. It can't be that simple, can it? नहीं। चार्ली को डाउट लग रहा है कि इतना आसानी से कैसे मिल गया, ये क्या है? भाई ये लॉन्चर छोड़ ले मेरे ऊपर। भाई साहब भागो अब। इनसे तो लड़ भी नहीं सकता। भागना ही है। चलो थैंक यू बताने के लिए। नेट सबसे पीछे है, सबसे आगे रहना चाहिए था मुझे। भाई स्नाइपर मिल गया मुझे उनकी वाट लगाने के लिए, और सामने ना वायर जिससे अपन आगे जा सकते हैं, तो इन सबको मारना होगा, ठीक है भाई। तुरंत हटना है वरना देख रहे हो मुंह पे आ रहे, बिल्कुल लॉन्चर्स देख रहे हो सर के ऊपर से जा रहे हैं, यानी कि ज्यादा देर एम नहीं ले सकता हूं मैं। और भी लोग हैं, ये देखो नीचे से छोड़ रहा है एक लॉन्चर।
कितना छोड़े जा रहे भाई ये लोग, जब लोड करते हैं ना तब मेरे पास टाइम है, लेकिन फिर दूसरा वाला भी तो मारने लगता है ना। सब छुप के रहो। और कोई बचा क्या? आई थिंक सारे मर गए। अरे नहीं, अब उस साइड भी कोई है। ये देखो इधर ही छोड़े जा रहा है जहां से अपने को जाना है। लोड करने में तेरे को जितना टाइम लगे तू मरेगा तब तक। मर जा, खत्म। Mom, we gotta move now. भी तुरंत निकलते, बहुत अच्छा आइडिया है। Ready? Let's go. Right. It's all clear. ओ भाई, ये दोनों नीचे गिर गए, टीम अलग हो गई। अच्छा साइन नहीं है ये। Come on. अच्छा भागना है फिर से। मेरी स्नाइपर कहाँ गई? मेरी स्नाइपर क्यों छीन ली? Run! बस उतनी देर तक का स्नाइपर का साथ था। ये लॉन्चर वाले पागल लोग जाने नहीं देंगे उस साइड। क्रिप्ट का एंट्रेंस मिल गया था अपने को, लेकिन इन सबको मारना होगा पहले। विक्टर और क्लोई उस साइड पहुंच गए थे ऊपर में, लेकिन नेट और चार्ली इधर रह गए। यहाँ का पूरा रास्ता क्लियर करना होगा चार्ली के साथ मिलके। चलो भाई चार्ली, फिर धूम धड़ाका करते हैं। Where are they? Hey, hey. Down here. You guys okay? Yeah. Yeah, we'll find a way around and meet up with you. Watch out. टैलबर्ट के आदमी लोग खोज ही रहे हैं अपने को। Hey, mate, look. They just came across the wall. What about Sully and Chloe? They're fine. Look. It's right there. We've got to check it out. No, I don't think that's a very end. He's gone. नेट अभी बोल ही रहा था कि अच्छा आइडिया नहीं है, और तब तक चला भी गया चार्ली। चार्ली ने बोला है कि विक्टर और क्लोई तो ठीक ही हैं। हम दोनों चलते हैं क्रिप्ट के एंट्रेंस के पास, जो कि बिल्कुल सामने नजर आ रही है। लेकिन वहां तक जाने के लिए सबको मारना होगा। नेट ने बोला तो है कि चुपचाप से करते हैं। चलो देखते हैं, एक दो आदमी लोग को अगर चुपचाप से मारा तो ठीक है, बाकी तो फिर जहां किसी ने देखा तो फिर वही बूम बाम पुराना वाला। चुपचाप से मर जा। अरे वाह, ग्रेनेड भी है इसके पास, बहुत बढ़िया। इतने खुले जगह पे आदमी तक मैं पहुंचूंगा तो कोई ना कोई देख ही लेगा। अनचार्टेड 4 में क्या था कि घास था, घास में छुपने का देता था, सामने सामने में छुप जाता था, लेकिन इसमें बनाया ही नहीं है साइलेंटली करने के लिए। एक से दो आदमी को मारूंगा कोई ना कोई देख ही लेगा। ये देखो ऊपर नहीं जा रहा है। नेट ज्यादा भाई ऊपर क्यों कर रहा है ऐसा? किसी ने नहीं देखा है अभी तक, फिलहाल किसी ने नहीं देखा है। देख लिया क्या? नहीं देखा है, खोज ही रहा है। वो अकेला है नीचे तो और कोई मुझे नजर नहीं आ रहा है। वो अकेला है ना बेचारा। हाँ भाई ठीक है, अकेला मर जा, वहीं झांकते रहना, हटना नहीं वहां से। अरे गलत टाइम पे ना। स्क्वायर भाग गया। रुक, जाना नहीं, खत्म। देख लिया उसने, देख लिया गोली उठाने के चक्कर में धत तरी की, देख लिया उसने। चिल्लाया नहीं है लेकिन वो पता नहीं अने गोली चलने लगी। भाई देख लिया है, सबने देख लिया है, सबको पता लग गया, सब इधर ही आ रहे हैं। ओ कोई इधर से मार रहा है मुझे, वाह। ग्रेनेड भी ओके, ये आर्मर वाला आदमी है। अब देखो इस पे कितनी गोली वेस्ट होगी, देखना। आ जाओ, नेट तैयार है। ये देखो आया, फुल आर्मर के साथ आता है, वो भी शॉटगन लेके। इसके मुंह पे ग्रेनेड फेंका, इसको कुछ नहीं हुआ है। अरे मर जाना। और उसका दोस्त भी आ ही रहा है, वो भी आर्मर लगाया हुआ है। ये दोनों अगर सामने आ गए ना मैं मर जाऊंगा। चलो ठीक है। अच्छा वो चार्ली है, मुझे लगा कोई गुंडा है, मैं उसको गोली मारने जा रहा था। चार्ली प्लीज भाई अपना हुलिया चेंज कर ले, अंधेरे में समझ में नहीं आता गुंडा कौन है, अपना पार्टनर कौन है। क्रिप्ट के एंट्रेंस तक जाते जाते अपनी हालत खराब हो जाएगी। तीन चार आदमी लोग बहुत दूर से गोली चला रहे हैं, उनको टिकाना होगा तभी। ओ ये फिर आ गया। अरे कितने सारे हैं आर्मर वाले, ये तीसरा है। ले भाई मुंह पे फटा ग्रेनेड, एक और फटेगा तो मरेगा शायद। दो दो ग्रेनेड में मरा है, नॉर्मल आदमी लोग एक ग्रेनेड में मर जाते हैं। बड़ा दौड़ते हुए आ रहा था, ऊपर से मशीन गन चला रहा है। क्रिप्ट के एंट्रेंस के पास ही है, वहां पे होना चाहिए क्रिप्ट। टीममेट्स लोग मरते नहीं है इसलिए मुझे चार्ली की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, पर फिर भी टेंशन लेनी चाहिए। हो सकता है मर जाए, क्या पता फर्स्ट टाइम आज ऐसा हो जाए। अनचार्टेड 4 में मेरा टीममेट कभी मरा नहीं था जहां तक मुझे याद आ रहा है। नहीं, उसमें नहीं मरता है।
पर इसका कोई ठीक नहीं है। चार्ली कवर में बैठा रहा, मैं हैंडल कर लूंगा। एक और नीचे से दौड़ते हुए आ रहा है। ये कौन आया भाई, तू कहां से आ गया? ये पीछे से आया, पीछे से कोई रास्ता था क्या? चलो ठीक है, एक अंदर भागा, मैंने देख लिया। तू अंदर कहां जा रहा है? टाटा, अब सन्नाटा हो गया, कोई नहीं आई थी। अब किसने गोली चलाई? पीछे से कोई गोली मार रहा है। चार्ली तू क्या कर रहा था? मेरे पीछे ही था चार्ली, कवर तो करना चाहिए। आ जा तू, आ जा। सारे मर गए, चला जाए एंट्रेंस के पास। अब पता नहीं वो एंट्रेंस है या वहां जाके भी कुछ और पता चलेगा। चलो चल के देखते हैं। विक्टर ने बोला था कि क्लोई और चार्ली को बचाएंगे और निकल जाएंगे चुपचाप से, लेकिन नेट खजाने के पीछे अगर एक बार पड़ गया तो वो पड़ गया भाई। ये हमने फोर में भी देखा है, नेट ऑब्सेस्ड हो जाता है और उसके बाद वो खोज के रहता है खजाना, और शुरू से नेट की आदत है। दिस वे, तार के नीचे यही एंट्रेंस था, तो चलो देखते हैं। यहाँ पे ये सब कबाड़ा रखा हुआ है। oh. बहुत खुश हो रहे थे ये दोनों। This is it. Yes. Oh. I know it couldn't be that simple. Wait. It wasn't a storage room 1,000 years ago. No, mate. We are missing something. चार्ली को लगा था कि इतना आसान नहीं होगा। Hey, hold on. The statues. You see? One hand up, one hand down. Yeah. Look, above, below. It's the same theme again and again. So just another breadcrumb on the trail? Oh, it certainly looks that way. Let me see the scope again. Yeah, sure. Thanks. तो स्टैचूज का एक हाथ ऊपर है, एक हाथ नीचे, यानी कि वही ऊपर नीचे वाला थीम है यहाँ पर भी। ये ढूंढना है, ये जो निशान बना हुआ है ना, इसको ढूंढना है अब यहाँ से। ये निशान तो यही है। Hey, here's that symbol again. Yeah, maybe it's not in the sky this time, but down below somewhere. It's got to be something down in the castle itself, then. Wait. ये तो रहा। Yeah, there. As below, so above. Yeah. इस बार ही उल्टा करना है, जितना नीचे उतना ऊपर। All right. So now move the scope upward. What do you see? इसके ऊपर क्या है? ये pillars बने हुए हैं। Yeah. Those pillars. That's got to be it. All right. Let's get over there and check it out. Yeah, we'll meet up with Sully and Chloe on the way. They're over there. Shit! They spotted us. Come on, Charlie. We can't stay pinned down here. We gotta तो move. Pillars तक पहुंचते उससे पहले ही भर-भर के आदमी लोग आ गए हैं, तो चलो सबका सफाया किया जाए। ओ! लॉन्चर किसने छोड़ा? विक्टर, विक्टर है ऊपर। विक्टर के पास लॉन्चर आ गया, बहुत बढ़िया। विक्टर सबकी वाट लगा दो। विक्टर लॉन्चर छोड़ रहे ऊपर से, बहुत ही छोटे से विक्टर नजर आ रहे मेरे को। नेट भी खुश है। विक्टर इसको मारो ना, आर्मर वाले को, बहुत गोली खाता है ये। बस मेरे ऊपर मत छोड़ देना। हाँ, बहुत बढ़िया। विक्टर ने ना जान बचा ली, वरना चारों तरफ से घेर लिया था अपने को। वो भी सब ऊपर बैठे हुए थे, बैंड बजा देते। विक्टर ओपी होना चाहिए भाई, एक बार कमेंट सेक्शन में। कहां से तो लॉन्चर का भी जुगाड़ कर लिया विक्टर ने, पता नहीं किसको मार के छीना है। अच्छा, मैंने जिसको मारा था ना स्नाइपर से, उसी का लॉन्चर गिरा हुआ होगा। विक्टर बचा के रखना लॉन्चर, मुझे भी देना, मेरे को भी चलाने का मन कर रहा है। लगता है सारे आदमी खत्म। नहीं, अभी भी म्यूजिक जारी है और आदमी लोग आ भी गए। भाई तुम लोग कहां से निकल के आ रहे हो? उधर कोई डोर है क्या निकल के आने का? अच्छा, ये यहां गड्ढे से आ रहे थे। विक्टर मेरा रास्ता क्लियर करते जाओ। ये देखो कहां भाग रहा है ये स्नाइपर। छुपना होगा मुझे। इतने इतने आदमी लोग को मारने के बाद भी और आदमी लोग हैं यहां पे। अपने को क्रिप्ट का एड्रेस तो पता चल गया है, पिलर के पास है, या पिलर के पास कोई और क्लू है, पता नहीं क्या है। पहले इन सबको मारना होगा। लेकिन और कोई बचा क्या? विक्टर ने सबका सफाया कर ही दिया है। मेरे बगल में अभी चार्ली बैठा हुआ था, ये कहां से आ गया? टावर के अंदर स्नाइपर्स हैं। चार्ली प्लीज अपना हुलिया बदल भाई, बहुत दिक्कत होगी वरना, या तो इन आदमियों का हुलिया बदले। एक ही जैसे दिखते हैं अंधेरे में। कमेंट में बताना, आपको भी नहीं लगता है एक ही जैसे दिखते हैं? अंधेरे में बैठे रहते तो बिल्कुल एक जैसे दिखते हैं।
सारे आदमी खत्म हो गए हैं ऐसा लग तो रहा है। चलो ठीक है, पिलर्स के पास चला जाए, देखा जाए कि अब वहां पे क्या है। विक्टर और क्लोई भी आ ही जाओ, उस साइड ही पे थे वो दोनों, तो अब नीचे आ सकते हैं। ये उड़ाया पता है, विक्टर ने उड़ाया भाई। Come on. Gotta meet up with those guys. चलो ऊपर इंतजार कर रहे हैं विक्टर और क्लोई, और ऊपर अपना इंतजार कर रहा है क्रिप्ट, जहां पे लॉस्ट सिटी का दूसरा क्लू है। Still in one piece anyway. Come on, I think we're onto something. चारों एक साथ ही रहो क्योंकि आदमी बहुत आ रहे हैं। Good to see you're all right. You too. Uncharted 3 खेलने के बाद मेरे को इतना समझ में आ गया कि विक्टर और नेट का जो रिश्ता है ना, वो सिर्फ दोस्त जैसा नहीं है, बाप बेटे जैसा है। नेट भी वैसे ही मानता है और विक्टर भी वैसे ही मानते हैं। Right. Here's the wall. All right, the crypt entrance should be here someplace. Well, what does Lawrence have to say about it? He doesn't. This is as far as he got. Well, what are our chances then? Symbolically, two pillars are used to mark a gateway. Swell. Which two? And a gateway to what? Well, another realm, a holy place, a place of initiation. Oh, doesn't that sound like fun? T. Lawrence, जिसने ये सारे notes लिखे हैं, वो भी यहाँ तक पहुंचा था, इसके आगे वो नहीं पहुंचा था। एंट्रेंस इधर ही किधर है लेकिन दिख रहा नहीं है फिलहाल। चार्ली ने बताया कि दो पिलर्स को मार्क किया जाता है और उसके बीच में एंट्रेंस होता है, तो कौन से दो पिलर्स? Maybe around the corner. Yeah, all right. हाँ तो नहीं मिला तो विक्टर बोल रहे कि शायद यहाँ पे हो सकता है, कॉर्नर में खोजो यहाँ पे, मुझे तो नहीं दिख रहा है। लगता है चार्ली को मिल गया है, कहानी दिखा रही है क्योंकि चार्ली को कुछ लगा। अरे भाई टैल्बर्ट आ गया है। अरे Give it to me. माइंड कंट्रोल कर रहा है क्या ये? ये देख लो डार्ट लगा हुआ है। चार्ली से गन मांगा, चार्ली गन दे रहा है, देना नहीं चाह रहा है चार्ली। Now the journal. अरे भाई साहब नोट्स मांग रहा है टी लॉरेंस का। नहीं 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 देना चाह रहा है चार्ली, रेजिस्ट कर रहा है लेकिन रोक नहीं पा रहा है खुद Thank को you. Don't trust Drake. टैल्बर्ट ने बोला है कि नेट के ऊपर भरोसा मत करना। How's Charlie? Who knows? वो जो डार्ट मार रहा ना चार्ली को, उससे उसका माइंड कंट्रोल कर लिया है। No, no, no. बागी कोई क्लू नहीं मिले क्योंकि टी लॉरेंस का तो नोट्स ले ही लिया इसने। Shit. He's gone. How in the world? गायब हो गया। Hey Charlie, you okay? Huh? Charlie? चार्ली का दिमाग खराब हो रहा है। This man, what kind of black ops bullshit is this? Let's just hope he didn't have a big dose. Oh no, 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 no. Oh shit. Easy now. Look at me, Charlie, right here. Well, we gotta move now, okay? Don't touch me. Get away from me. All right, all right. No one's touching you, Charlie. What the hell was in that dart? Your face is peeling off. Well, whatever it was, he's tripping balls. Charlie, listen. Hey, you're okay. Down. I wonder you take me. Nobody's taking you anywhere. Just come with us, okay? Yeah. Oh no, the floor's melting. Charlie को विक्टर का फेस पिघलते हुए नजर आ रहा है, फ्लोर पिघलते हुए नजर आ रहा है। Stay here. We gotta move. How? Our only hope is to find the crypt entrance. Great. Any ideas? Well, Charlie was onto something. I just don't know what. The wand of the magician. Oh man, without his journal, we're never gonna find it. Just let me think. All right, hermetic. From the Greek Hermes, meaning pillar. I think we got that part. The seven pillars of wisdom? Between mercy and severity. Wait. Wait, we've got this all wrong. It isn't the space between the pillars. Yes. It's the middle pillar. Achha. Balance. What? It was in Charlie's book. The pillar of balance between the two extremes. Between black and white, water and fire. Yes. Female and male. The middle way. The middle way. Beech wala pillar hi apna rasta hai. यानी कि इसको पुश करने से अपना रास्ता मिलेगा। क्लोई ने क्रैक कर लिया। Sully, give me a hand with this. अच्छा ये तो मिल गया है, लेकिन उससे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि चार्ली का दिमाग अब काबू में नहीं है। Come on. No, no, no. No, it's okay, Charlie. Come on, mate. आना नहीं चाह रहा है चार्ली। क्रिप्ट इसी लोकेशन में होगा, यानी कि एमुलेट का दूसरा पार्ट यहीं पे मिलेगा अपने को। The way up and the way down are one and the same. Uh-huh. Here you go. This way. क्लू के इतने करीब आके कहीं चार्ली धोखा नहीं देते। Looks like we'll have to squeeze through here. Oh. You two go on ahead. I'll help Charlie. All right.
याद है ना फर्स्ट एपिसोड में अपने को पता चला था कि चार्ली को क्लॉस्ट्रोफोबिया है। Come on, buddy. You're okay. यानी कि टाइट स्पेसेस में जाने से डर लगता है या घबराता है चार्ली, और ऊपर से अभी दिमाग खराब है। Where are you taking me? Just gonna get right through here, okay? चार्ली घबराया हुआ है, पूछा मुझे कहाँ लेके जा रहे हो? Why are you doing this? You're gonna be all right, buddy. Stop touching me. You're all right. Take it easy. Take it easy, Charlie. All right, we're through. Wait. Another passage up ahead. Just go on. I've got him. We'll light the way for you. Come on, mate. We're almost there. Chloe और Victor उस साइड पहुंच गए और रास्ते में रोशनी करते हुए जाएंगे। मुझे सही सलामत चार्ली को उधर लेके जाना है, लेकिन चार्ली देख रहे हो पहले ही से उसका दिमाग खराब हो रखा है, ऊपर से इतनी तंग जगहों पे और उसका दिमाग खराब हो रहा है। इसको ऐसा लग रहा है कि नेट इसको पकड़ के कहीं ले जा रहा है। नेट ठीक करने की कोशिश कर रहा है चार्ली को, चार्ली ठीक हो जाए तो ज्यादा अच्छा है। से टैलबर्ट ने इसको बोल दिया है कि नेट के ऊपर विश्वास मत करना। That's it. Oh, no, no, no. Charlie, go on. Come on, just one more. I won't let you. ओ भाई साहब, इसे फाइट करनी है क्या? चार्ली से फाइट करना? चार्ली पहले ही से बहुत खतरनाक आदमी है, ऊपर से दिमाग खराब हो गया इसका, पत्थर से मारने जा रहा था मेरे मुंह पे। अब इसको मार भी नहीं सकता मैं, बस इसको काम डाउन करना होगा। बेहोश तो कर ही सकता हूँ, लेकिन भाई इतनी आसानी से बेहोश होगा? पत्थर से नहीं मारना, पत्थर से नहीं मारना। उतना बड़ा पत्थर मेरे मुंह पे मारने जा रहा था। बेहोश हो जा भाई, बेहोश हो जा, मैं उठा के ले जाऊंगा। नेट समझाने की कोशिश कर रहा है लेकिन सुन ही नहीं रहा है। टैलबर्ट के पास पता नहीं क्या दवाई थी। इसको बेहोश करने का कोई तरीका नहीं है। समझा रहा है नेट कि रुक जाओ रुक जाओ, लेकिन रुक ही नहीं रहा है। बेहोशी हो जा भाई तू, इसको पटकना पड़ेगा कहीं पे या इसके। और ये पागल है यार, पत्थर क्यों मारता है? हाथ से लड़ना अच्छा हो, इसके पास गन नहीं है। टैलबर्ट ने इसकी गन छीन ली है, वरना ये गोली मार देता डायरेक्ट। अभी तो घुसे मार रहा है सिर्फ। सुन लेना भाई, बात सुन लेना, फिर पत्थर तीसरी बार। अरे बेहोश क्यों नहीं होता है यार ये इतना? अरे गर्दन दबा रहा है भाई ये, मेरी उंगलियां दुख रही, मैं मर रहा हूं। अरे मैं मर रहा हूं, मैं दबा तो रहा हूं इतनी तेजी से। क्या हो गया, ग्लिच हो गया क्या? मर गया मैं? नहीं, स्टोरी दिखाने लगी। सही टाइम पे आया है विक्टर। Charlie, you're killing Nate. Okay, you gotta listen to me. You are killing Nate. Charlie. Victor, गोली मार देते चार्ली को। होश आया चार्ली? ठीक हुआ भाई? Jesus. टैलबर्ट मिलेगा ना, उसको छोड़ूंगा नहीं। मेरी ही टीममेट को मेरे खिलाफ कर दिया। Here we go. I'm all right. Here we go. I'm all right. नेट से ज्यादा गुस्सा विक्टर को। विक्टर की आंखें देखी? नहीं 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 नहीं, I'm sorry. I'm sorry. We're even. नेट ने चार्ली को धक्का दे दिया और बोला कि चलो हिसाब बराबर, कोई दिक्कत नहीं। चार्ली ठीक हो गया, लेकिन ठीक हो गया है ना, फिर आगे ऐसे कोई दौरे तो नहीं पड़ेंगे। You weren't gonna shoot me, were you, mate? Like a rabid dog. विक्टर बोल रहे हैं कि अगर कुत्ते पागल हो जाते तो उन्हें मार दिया जाता है। Let's try this again. चार्ली ने ऑलमोस्ट मार दिया था मुझे। I'll go first this time. Shit. इस बारी नेट सबसे आगे जा रहा है कि कहीं दोबारा हमला नहीं हो जाए। No, no, I'm not turning my back on you just yet. After you. विक्टर ने चार्ली को बोला है कि तुम्हारे पीछे रहूंगा, मैं नजर रखूंगा। दोस्ती कर लो विक्टर और चार्ली, ऐसा होते रहता है। Man, let's move it along. They'll be looking for us. चलो आगे बढ़ा जाए। अच्छा एक और बात, टैलबर्ट गायब कहाँ हुआ था अचानक से? मतलब वहां तो कोई गायब होने की जगह नहीं थी, कोई सीक्रेट डोर था क्या? अब ये क्या है? ग्लोब,
ग्लोब है बड़ा सा। अब इसका क्या करना है? यहाँ पे स्टैचूज भी हैं, यहीं पे क्रिप्ट छुपा हुआ होगा, लेकिन कहाँ? Amazing. Is that globe? Looks like this thing should spin, doesn't it? This is more than just a crypt. Damn room looks like some kind of ancient device. ये पूरा रूम एक डिवाइस है, यानी कि समझ लो कि एक पजल है जिसको अपने को सॉल्व करना है। चार्ली को विक्टर अभी याद दिला रहे हैं कि तुमने अपनी गन और नोटबुक टैलबर्ट को दे दी है। वो जो बीच में ग्लोब रखा हुआ है ना, उसको स्पिन करवाना होगा, लेकिन कैसे? Hey, I bet we can light these. आग लगाने से कुछ हुआ? Let's get the other ones lit. इन सब को जलाने से ग्लोब के ऊपर प्रोजेक्शन आ रहा है। दो और जलाने हैं, ठीक है? ऐसे क्लोई बता रही थी कि यहाँ पे पानी भी आ सकता है। ऐसा ट्रैक बना हुआ था ना जिससे पानी को यहाँ तक लाया जा सकता है। इन सब को जलाने से ग्लोब के ऊपर कुछ कुछ प्रोजेक्शन बन रहे हैं। Let's keep looking. ये जो ग्लोब के ऊपर प्रोजेक्शंस बने हैं ना, वो सही जगह पे नहीं बने हैं। तो ग्लोब को स्पिन करवाना होगा। तो आई थिंक वाटर आएगा ना, उससे ग्लोब घूमने लगेगा और तब स्पिन कर सकते हैं उसको अपन। Is that the water? Not sure. ये जानलेवा मकड़ी आ गई फिर। Oh, no. Please, please tell me that you see them too. Oh, yeah, I see them. Whatever you do, don't let them touch you. Just stay in the firelight. What are you doing? You should be able to make it over to that brazier if I run for it. You won't. I'll clear the way for you once I get there. If you get there, you're mental. We have to get the water flowing. You have a better idea? If you throw the torch down there, you might be able to light the brazier. L1 को होल्ड करने से मशाल मैं वहाँ पे फेंक सकता हूँ ताकि आग लगे, मकड़ियाँ हट जाएं और मैं वहाँ जा सकूँ। You got it. ठीक है? ये मुझे प्लेग टेल इनोसेंस की याद दिला रहा है। अब यहाँ से कहाँ फेंकना है? वहाँ तक जाएगा? ट्राई कर सकता हूँ उसको जलाने की। हाँ जाएगा, जाएगा, चला जाएगा वहाँ तक। लेकिन बीच का रास्ता खाली है, पता है? बीच में मकड़ियाँ अटैक करेंगी मेरे ऊपर। लाइट लेके मैं कूद नहीं सकता हूँ। एक हाथ से तो लटक ही सकता है, नेट के लिए आम बात है। गिरा दिया, लाइट गिरा दिया है। लाइट में नहीं रहूंगा, मकड़ियां मारने लगेंगी भाई। चूहो वाला हिसाब है भाई। प्लेग टेल इनोसेंस अगर आपने देखा है मेरा गेम प्ले तो आपको पता होगा। मेरे पीछे पड़ी हुई, हाँ थैंक यू चार्ली बताने के लिए। हाँ मैं भाग रहा हूँ भाई, तेरे को क्या लग रहा है? ठीक है, लाइट तक मैं पहुंच गया हूँ। चार्ली आ जाओ, आगे एक और दिख रहा है मुझे, इसमें आग लगानी होगी। ये मकड़िया क्यों अटैक कर रही है इतना? मतलब चूहो का तो एक केस था, वो प्लेग टेल में जो भी था, कहानी पूरी थी। अगर आपको देखना होगा तो वो भी आप देख सकते हो, लेकिन ये मकड़िया को क्या हो गया है? नीचे भी आग लगाने का है, ठीक है? चलो आ जाओ, पानी तक पहुंच गए। पानी को वहां तक पहुंचाना है, यानी कि ग्लोब तक। टॉर्च लेके मैं जाऊंगा भाई, मुझे डर लग रहा है। विक्टर और क्लोई उस साइड है। आ जाओ, इसको एक्टिवेट करते हैं। इसको खोल के पानी को उस साइड पहुंचाना है ताकि ग्लोब स्पिन कर सके और वो जो बीम से उसको सही डायरेक्शन में अपन सेट कर सके। पानी ऊपर आने दो, उसके बाद उस साइड जाएंगे जहां पे विक्टर खड़े हुए हैं। तो चार्ली को लगता है भींगना पसंद नहीं है। चार्ली को बहुत कुछ पसंद नहीं, पानी से भी डर लगता है क्या? चार्ली आ जाओ। I hate getting wet. चार्ली को भींगना पसंद नहीं है, ठीक है चार्ली, लेकिन भींगना ही पड़ेगा। अब इसको भी खोलना है। Okay, one more. चलो यहाँ से पानी पहुंच जाएगा ग्लोब तक, फाइनल है ये। All right. Let's do this again. It worked. पानी पहुंचने के बाद ग्लोब नीचे आने लगा है। It started to spin. अच्छा। Rotate the globe now. Now we're getting somewhere. Hey, it looks
like those light projections might line up with the land masses. Go on, give it a spin. तो अब ग्लोब को स्पिन करके ये जो प्रोजेक्शंस है ना लाइट्स के, उसको सही जगह पे सेट करना है. तीनों स्टार्स मैच होने चाहिए. अब खोजना पड़ेगा. एक भी मैच हो गया ना तो तीनों मैच हो जाएगा. पर वही खोजना है. ये ऐसे नहीं होगा, इसको उल्टा करना होगा. ये नीचे, अरे ये यहां तो सेट हो ही जाएगा आई थिंक. हो गया ना? नहीं नहीं नहीं, ये एक को सेट नहीं करना है, तीनों को करना है. थोड़ा सा अगर इसको उल्टा घुमा के लाऊं ना काम हो जाएगा. बाकी सब कुछ हेल्प कर सकते हैं, ऐसा नहीं है. टीममेट से कुछ मदद कर सकते हो, कुछ क्लू दे सकते हो, सही जा रहा हूं गलत जा रहा हूं कुछ बता दिया करो. बहुत ही शांति हो जाती है अचानक से जब भी नेट पजल सॉल्व करता है. ये क्रिप्ट का फाइनल डोर होगा. आई थिंक मिल गया. हो गया. ये एक्यूरेटली आ गया. चलो ठीक है, सेट हो गया फाइनली. ये क्या नीचे आ रहा है? अच्छा रास्ता है. ठीक है, सब ऊपर पहले ही पहुंच गए हैं, मेरा इंतजार कर रहे हैं. ठीक है, मैं आ रहा हूं. भाग मत जाना छोड़ के, मकड़ियां कभी भी अटैक कर सकती हैं. ऐसे लाइट तो हर जगह जली हुई है, मकड़ियां से भागने में दिक्कत ही है ना कि एक भी गलत टर्न अगर आप लोगे तो 2 सेकंड के अंदर मकड़ियां मार देंगी. Here we go. क्रिप्ट अब यही होना चाहिए. इतने इतने सारे पजल सॉल्व कर लिए, फाइनली वहां तक पहुंच गए हैं. क्रिप्ट मिल जाए बस अब. और टैलबर्ट नहीं आए, टैलबर्ट बाहर ही था, बाहर ही रहना. पता नहीं गायब होने की पावर भी है उसके पास. क्या आदमी है वो भाई साहब, माइंड कंट्रोल भी करते हैं और पता नहीं क्या क्या पावर है उसके पास. All right, we're looking for a knight's tomb, just like we found in France. If my hunch is right, he'll be buried with the other Valkyrian. तो जैसे फ्रांस में एक कब्र ढूंढी थी हमने, वैसी यहाँ पर भी ढूंढनी है. Is that it? Yeah, just like the one in France. Amazing. Yeah, brilliant. Let's get it open. तो इसी के अंदर सेकंड क्लू है लॉस्ट सिटी का, यानी कि आधा पार्ट एमुलेट का. There it is. मिल गया. What did I tell you? Let's see the other half. Yeah, about that. Talbot has it. What? Yeah, I told you how he ambushed us at the chateau. That's when he took it. Well, why did we even bother then? Hold on. Give me a little credit. Oh, bhai, Nate ne wo drawing bana li thi amulet ki. Badhiya. There. You see? Agar drawing ne na banata Nate, to is amulet ka koi matlab nahi tha. And with the inscription complete, we know exactly where to go in Yemen. To kahan jana hai ye pata chal gaya hai. Nicely done. Yeah, all the same. I think I'll hold on to this one. Charlie amulet mat rakho, pata nahi abhi bhi Charlie kabu mein hai ya nahi. All right. Let's get the hell out of here. Mujhe doubt ho raha hai bhai Charlie pe. Keep looking. They have to be here somewhere. Shit. They must have followed us. We better hope there's another way out of here. Talbot ke aadmi andar bhi pahunch gaye. Charlie abhi bhi kahin control mein to nahi hai na Talbot ke. Oh, there's a draft over here. Is wall se nikal sakte hain. Theek hai? Hey, come here. Yeah, I can feel the breeze. Awesome. Please be an outside wall. It's got some give. Charlie, help me with this. वहाँ से हवा आ रही थी, यानी कि ये पक्का डोर है, यहाँ बाहर में आदमी खड़ा है. Guys, we don't have much time. Go, go. वो भाई जो आदमी खड़ा हो तो उसके ऊपर पूरी दीवार गिर गई, मर गया वो. I'll try that. चार्ली ने गन उठा ली. लो आ गए ये लोग. Drop your weapons. Yeah, I don't think so. Well then, what a dilemma. We seem to be equally matched. Until the rest of my men show up, that is. We can wait. दोनों तरफ चार चार आदमी हैं. अरे नहीं. Guys. Charlie. Oh God damn it. कर दिया कांड. Now that changes things a bit, doesn't it? Now drop your guns. Don't you go cut or shoot him. No. Wait. Just stop. Okay? Amulet का दूसरा पार्ट भी छीन लेगा ये. चार्ली अभी भी कंट्रोल में है भाई. कांड हो गया. Now that's better, isn't it? Shoot him. अरे. You son of a bitch. Cut or pull the trigger. My pleasure. ओ बढ़िया. खतरनाक. ड्रामा कर रहा था कटर. बहुत बढ़िया. मेरे पास गन नहीं है और चार्ली की भी गोली खत्म हो गई. अब तो भाग नहीं है. बॉय सॉफ्ट
ये मुझे नहीं लगा था कि ये करना पड़ेगा। किसी के पास, मेरी पूरी टीम के पास गोली नहीं है। हाँ भाई ना, चार्ली ने ड्रामा किया अच्छा था, लेकिन गन फेंकने के लिए बोलने की क्या जरूरत थी, आंख मार देता। गन नहीं फेंकते हम लोग, सबने गन फेंक दी अपनी। चलो कोई बात नहीं, बच के भाग जाएं। एड्रेस तो पता ही है कि जाना कहाँ है। अरे चार्ली कैसे आएगा? Come on, Cutter. You can't make it. Okay, what can we do? What can we do? Charlie. टैल्बर्ट जिंदा है। What the hell? इसके पास और क्या क्या पावर है? ये आदमी नहीं है। You didn't get very far, did you? Hand it over. Piss off. ये गायब होता है, गोली लगने से ठीक हो जाता है। There's nothing we can do, kid. Jesus, this is unbearable. विक्टर समझा रहे नेट को कि अभी कुछ नहीं कर सकते, गन भी नहीं है अपने पास। उन सब के पास गन है, एमुलेट ले लिया इसने। और ये रही विलन, केट मार्लव। Oh, Carter. I had such high hopes for you. Yeah, right. It's true. You had potential. Now, well, it's funny how things work out, isn't it? You betray my trust, and now we find ourselves here. चार्ली अब कूदना पड़ेगा यहाँ से, क्योंकि आग लगाने जा रही है। As if it were in the cards all along. ये गेट मार्लव के आदमी हर जगह आग क्यों लगाने लगते हैं? चार्ली अब इधर तो कूदना ही पड़ेगा भाई, और कोई ऑप्शन नहीं है। Charlie, don't. नेट मना कर रहा है कूदने। Shit. No. नेट को सही आइडिया नहीं लग रहा है। No. ओ भाई, पैर टूट गया इसका। Don't touch it! It's broken! I know it's broken. Just easy does it, mate. Hang on. Charlie का पैर टूट गया, अपने पास गन नहीं, यहाँ से कैसे निकलेंगे? ये क्या है? Nate, look at this. अरे? What the hell? ये टैरो कार्ड में बना हुआ है कि आग लग रही है टावर में और सब कूद रहे हैं। Okay, we can't stay here. Just leave me the gun. I'll kill those bastards. No way. We're getting you out of here. Come on, get up. I got him. You cover us. चार्ली के पॉकेट में ये कार्ड डाला था टैल्बर्ट ने, उस टाइम सामने बात कर रहा था ना। फाइनली गन मिल गई भाई, अब इन सबको कवर भी करना होगा। अरे मर जाओ। चार्ली भी यही सोच रहा है कि उसको सामने सामने मारा था, बच कैसे गया वो? टैल्बर्ट के पास पता नहीं क्या क्या जादुई शक्ति, ये ग्रेनेड लो वापस। भाई वो शील्ड लेके आ रहा है क्या? अरे भाई अब इनके पास शील्ड भी आ गई है, वाह बहुत बढ़िया। शील्ड वाले को मारने, ओ दो दो शील्ड वाले एक साथ। शील्ड ले लेके आगे बढ़े जा रहा है, वो भी यूजी चला रहा है भाई। ये एक और है, मेरे पास टीममेट सिर्फ एक क्लोई है गोली चलाने के लिए, क्योंकि विक्टर अभी चार्ली को संभाल रहे हैं। गार्ड करके बैठा हुआ है शील्ड। शील्ड अच्छा है, उठाने का ऑप्शन आएगा क्या? चलो ठीक है, काश शील्ड उठाने का ऑप्शन आए भाई, मजा आ जाएगा। अरे उठाने का ऑप्शन है, मजा आ गया ठीक है। लेकिन इसके ऊपर से मशीन गन नहीं चला सकता, छोटी गन चला सकता हूँ जैसे हैंड गन, या फिर शायद यूजी चला सकता हूँ। चलो ठीक है, जो अब यही है, शील्ड लेके आगे बढ़ा जाए। कोई है नहीं? अरे मिल गया, तू मरा बहुत अच्छा। अरे ये कहां से आ गया मेरी शील्ड की बाट लगाने? गोली भी कम है मेरे पास। मर जा, दो दो ग्रेनेड एक साथ, भागना पड़े। शील्ड नहीं ना होती मैं मर जाता अभी। गोली खत्म हो गई सारी, उठाना होगा जाके। विक्टर चार्ली को संभाल के, अरे कवर में बैठे रहो ना, खुलेआम क्यों खड़े हुए? शील्ड फूटने के बाद दोबारा नहीं उठा सकता हूं। शील्ड के मानो एक तरह से हेल्थ है, शील्ड एक बार टूट जाएगा मतलब वो गया। चलो यही मेन आदमी था, अब इन दोनों को मारना तो आसानी है। आ जाओ बाकी सब, आ जाओ जल्दी। शील्ड अब फेंका जाए, बहुत स्लो कर दे रहा है शील्ड मुझे यहां से। अच्छा ये इसी डोर को खोलना है ना। क्लोई थोड़ा मदद करना, help me with the door. ठीक है,
Okay, come on, guys. Sorry, Charlie. यहाँ से बच के निकल जाए तो पता तो है ही कि कहाँ जाना है. भले ही एम्युलेट ले लिया उन लोगों ने, लेकिन अपने को भी एड्रेस पता है. Look out! There's more of them. और लोग हैं, ठीक है? शील्ड वाले आदमी लोग अब आने शुरू हो गए हैं, यानी अब भर-भर के आते रहेंगे शील्ड वाले आदमी. चलो ये तो गया, पूरी जगह को घेर लिया है ना इन लोगों ने. वो ग्रेनेड फेंक रहा था, अच्छा ही हुआ. ये आर्मर वाला आदमी क्यों आ जाता मेरी गोलियां बर्बाद करने? मेरे ऊपर ग्रेनेड फेंका ना, उसके सर पे फटना चाहिए था. आ जाओ, अभी और आदमी आएंगे, इतनी आसानी से भागने नहीं देंगे यहां से. गोलियां चल रही है उधर से, बहुत बढ़िया. आगे मत आना कोई, रास्ता क्लियर करने दो पहले. आ जाओ, और कोई है क्या? शील्ड लेके अच्छा लगता है, थोड़ा सा एक प्रोटेक्शन वाली फीलिंग आती है, लेकिन शील्ड ना स्लो कर देता है. दो और आ रहे हैं, मरने के लिए तैयार. बहुत टाइम के बाद एक ही उठाया है. कहां से गोलियां चल रही है? ऊपर पता नहीं कहां से चल रही थी. क्लोई ने मार दिया शायद, ऊपर था कोई. अच्छा ये है, हट. एक लात मुंह पे, सामने ही डोर दिख रहा है, वहीं से निकलना है. कोई तो है नहीं, रास्ता क्लियर है. चलो बस पहुंच ही गए, बाहर निकल गए यहां से, और अब जाएंगे लॉस्ट सिटी को ढूंढने. म्यूजिक भी बहुत अच्छा बनाया है अनचार्टेड 3 का. क्लोई ताना मार रही कि बस लेके भागेंगे तो सबको पता चल ही जाएगा. Warning. Not worth the price of admission, folks. बेचारे सब इंतजार कर रहे थे बस में बैठ के कहीं जाने का, लेकिन बस अब अपने कब्जे में है. I got this. You take care of him. बस में खतरनाक फाइट होने वाला है. आदमी लोग तो आ गए. बस के ऊपर चढ़ेंगे क्या ये लोग? विक्टर ने भगा दिए बस. गाड़ी से पीछा कर सकते हैं, नहीं पीछा नहीं किया है. Looks like we lost. All right, I'll find some place to ditch the bus. Great. You doing all right? Oh, fabulous. Charlie अभी भी first class है. That was too close. He'll be okay. No, I mean the whole thing. It just isn't worth it, Nate. Let this one go. Oh no 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 no! You can't just give up. If you let these bastards win, after this, I will never bloody forgive you. Don't you worry, Charlie. There's no way I'm letting them win. What is it with you? What are you trying to prove? I'm not trying to prove anything. क्लोई मना करेगी, जान से कीमती थोड़ी होगा खजाना, अब मत ढूंढो खजाना. So what's the plan, kid? Guess I'm going to Yemen. You up for it? Of course I am. विक्टर तो आएंगे ही. All right, we gotta find a quick way in. No hassles. Think I might know someone we could call? Who? Oh no. No, no, no. You got a better idea, I'm all ears. What about... No. Fine. Make the call. विक्टर किसी को कॉल करने का बोल रहे थे, लेकिन नेट मना कर रहा था, पर अब बोला कि कोई और रास्ता है नहीं तो उसको कॉल कर लो, क्योंकि यमन में घुसने का आसान तरीका उसी के पास है जिसको कॉल किया है. कौन है वो? इलीना. Elena Fisher, foreign correspondent. Hey, Sully. How you doing, sweetheart? Oh, no. Sorry, that's sort of frowned upon here. You two can hold hands, though. How are you, Elena? Good, thanks. You look great. So, against my better judgment,
These permits will get you through most checkpoints. Okay, great. Oh, and I shouldn't be worried about what's in those bags, right? Of course not. No. Yeah, not yet anyway. All right, remember, you're journalists now. So try and act respectable. Think you can handle that? I think she's talking to you. अच्छा नेट और इलीना एक दूसरे को जानते हैं लेकिन शादी नहीं हुई है दोनों बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड भी नहीं है. So what exactly are you two reprobates up to? It's just a little historical research. Right. So that explains the big rush. Exactly. No cursed treasures? Nope. No diabolical warlords? No. You are the worst liar. What? You are. Oh, come on. We're not going to start this, are we? The car, where is it? Oh, it's over there. I'll just take the bags and meet you. Elena समझ गई कि नेट फिर से खजाना ढूंढने आया है. Nate. You're still wearing it. Yeah, I am. It helps in this part of the world. Oh, really? Seriously? Don't flatter yourself. I see you're still wearing yours. What? Oh, yeah. That's what this is all about, isn't it? You don't understand. I finally proved it. Drake lied about his route through the East Indies. 400 years ago, he came here. Why, Nate? That's what we're here to find out. No, I mean, why this obsession? I'm just worried. I can take care of myself, all right? I'm not talking about you. What, Sully? He would go to the ends of the earth for you, Nate. Just don't ask him to. Come on, that's not fair. What is that even supposed to mean? All set? You could just drop us at the edge of the city, that'd be great. Not a chance. You two are my responsibility now. I'm not taking my eyes off of you. Lena नेट को समझा रही थी कि विक्टर नेट के लिए कुछ भी करेंगे पर उनसे कुछ भी मत करो क्योंकि जान खतरे में पड़ सकती है और इलीना केयर करती है विक्टर की और इलीना ने इन दोनों को झूठा प्रेस रिपोर्टर का कार्ड दिलवा दिया है ताकि कोई भी जगह पे ये लोग आराम से आ जा सके और इलीना भी अब साथ में रहेगी तो काफी मजा आने वाला है लेकिन नेक्स्ट एपिसोड में क्योंकि इसको कंटिन्यू करूंगा भाई मैं नेक्स्ट एपिसोड में आज के एपिसोड मुझे लगता है कि बहुत लंबा हो गया है और चलो मिलता हूं मैं नेक्स्ट एपिसोड में तब तक आप लोग कमेंट करके बताना कि आज का एपिसोड कैसा लगा और जाने से पहले भाई वीडियो को लाइक कर लेना नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन दबा लेना और ख्याल रखना सेफ रहना देखते रहना अनचार्टेड बाय बाय.